देश में घटने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 18,132 नए केस। कोरोना से गई 190 से ज्यादा लोगों की जान। लखीमपुर खीरी में वायरल हुआ विधायक रोमी साहनी का विवादित बयान। विधायक ने बयान पर दी सफाई, कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा का महाराष्ट्र में हो रहा है विरोध। विरोध के चलते आज पूरा महाराष्ट्र बंद, सड़कों पर पुलिस अलर्ट। जम्मू कश्मीर में 6 दिनों में 7 लोगों की हत्या। हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने लिया बड़ा एक्शन। सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को लिया हिरासत में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। देश में आज लगातार दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,132 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 190 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कल देश में 18,166 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 21,563 लोग कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,27,347 हो चुके हैं। ऐसे में अब तक 3,32,90,000 से ज्यादा लोगों का इलाज के बाद वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे में देश में अब तक कोरोना से 4,50,782 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 46,57,000 से ज़्यादा डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा भी बढ़कर 95 करोड़ के पार हो चुका है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में बीजेपी में अपने ही विधायक अपनों पर ही दबंगई दिखाते नजर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी महिला नेत्री ने बीजेपी पार्षद आशीष पराशर पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मारपीट में महिला के परिवार को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद महिला नेत्री पुलिस ने बीजेपी पार्षद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि महिला नेत्री प्रतिभा भार्गव बीजेपी पदाधिकारी के साथ समाजसेवी भी हैं। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब घर के बाहर सो रहे 55 साल के लाखन सिंह का खून से लथपथ शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था और सुबह लोगों ने जब खून से लथपथ उसका शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपने दांव पेच में लगी हुई हैं, तो वहीं मुस्लिमों को का वोट बैंक कर अपने तरफ करने के लिए AIMIM ने भी आगे कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में आज बलरामपुर के सादुल्ला नगर में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा अनपढ़ है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुस्लिम के बच्चे ही ग्रेजुएट हो चुके हैं और हम 19% मुसलमान तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर पाए और प्रदेश में बैठे अखिलेश यादव और मायावती हमको यूज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमको टिकट मांगना नहीं बल्कि टिकट बांटना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि लखीमपुर खीरी मामले पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मंत्री का बेटा किसानों का कत्ल कर रहा है और मोदी और योगी उसको संरक्षण दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी,
ये जो लोग मर गए 5 लोग, जिसमें 3 लोग 8 लोग इसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीख मारते और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। बलरामपुर में ओवैसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री का बेटा कत्ल कर रहा है और सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। गोरखपुर में कानपुर व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में फरार आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गोरखपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। आपको बता दें कि फरार आरोपी पुलिस कर्मियों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कानपुर में ये पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल मनीष हत्याकांड के बाद से ही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसको देखते हुए अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, टीम ने अच्छा काम किया है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ फरार भी हैं और साथ में अभी इंसाफ नहीं मिला है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संतोष नहीं है। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी मैं चाहती हूँ कि जो केस का ट्रायल होगा वो कानपुर में हो जाए, क्योंकि एक तो मैं गोरखपुर में जाने में कंफर्ट नहीं हूँ, वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वहीं अपराध हुआ है, वहाँ का सब जो एक बना है तरीका वो मैं वहाँ पे 24 घंटे बिता के देख चुकी हूँ। और दूसरा, मैं अकेली हूँ, मैं यहाँ 4 साल के बच्चे को लेके ट्रेवल करके वहाँ पे कोर्ट में ट्रायल नहीं करा पाऊँगी। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरी ये विनती है कि केस को यहाँ ट्रायल के लिए मूव किया जाए, और अभी संघर्ष जारी है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको बता दें पुलिस को कानपुर में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और ऐसे में मनीष हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो फरार आरोपी इंस्पेक्टर थे जगत नारायण सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को गोरखपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इन पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आवाज आ रही है। आशीष, जिस तरह से इस मनीष गुप्ता हत्याकांड में अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, जो जगत नारायण सिंह थे और जो अक्षय मिश्रा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। अभी 4 आरोपी, जो 4 पुलिसकर्मी जो आरोपी हैं, वो अभी भी फरार है। इस पूरे मामले में जो है SIT अब इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और पूरा केस जो है वो PM ने पहले ही आदेश कर दिया है कि गोरखपुर से ट्रांसफर होकर कानपुर में ट्रायल होगा और कानपुर में ही इसकी विवेचना होगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मेन आरोपी हैं जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा, वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो 4 आरोपी शेष बचे उनके। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से देखिए विपक्ष भी लगातार सरकार पर इसको लेकर हमला कर रहा है, लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है और 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि कब तक उनको गिरफ्तार किया जाएगा? आशीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में गोरखपुर के इस कांड में मनीष गुप्ता की, जहां पर गोरखपुर में हत्या की गई थी, उसके बाद से ही पुलिस टीम
के कई लोग थे जो आरोपी थे इस पूरे मामले में, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपियों को साथ ही चार आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। मेरठ के किठौर विधानसभा से बीजेपी विधायक सतबीर त्यागी का किसानों ने जमकर विरोध किया। सतबीर त्यागी एक कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्राम पसवारा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर किसान यूनियन के लोगों को जानकारी मिलते ही गांव के बाहर वो मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध भी किया। आपको बता दें कि विधायक की कार से अपनी कार से नहीं उतर पाए और अपने काफिले के साथ वहां से वापस चले गए। एक महीने पहले भी विधायक सतबीर त्यागी के साथ क्षेत्र के गांव जामलपुर में भी विरोध किया गया था उनका, और वहां से भी उन्हें भागना पड़ा था। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद पलिया विधानसभा से बीजेपी विधायक रोमी साहनी का विवादित बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पलिया विधानसभा बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और वीडियो एडिट कर चलाया जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान किसानों की तरफ से काले झंडे दिखाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का विरोध जताया गया था। विधायक का कहना है कि वीडियो को एडिट कर लखीमपुर खीरी तिकुनिया में हुई हिंसा के बाद से वायरल किया जा रहा है। आपको सबको मालूम है कि चुनाव है 2-3 महीने बाद, तो वो अब उनको और कोई मौका तो मिल नहीं रहा, तो उसको फर्जी एक वीडियो बना के वायरल करें। सही वीडियो जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जो मैंने बोला है। आप लोग तो वहाँ पे थे, मैंने कोई एक शब्द भी गलत तो बोला नहीं। फिर हमारी पार्टी और हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी वो सब आप देख रहे हो जो भी है सरकार। सुल्तानपुर अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी का कूरे भार के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद सांसद मेनका गांधी अपने निर्धारित इझोली विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम और उच्च गांव घुसियारी मेला पश्चिम रामापुर में जनसभा समस्याओं का निस्तारण उन्होंने किया। साथ ही सांसद मेनका गांधी ने निर्धन परिवार की दर्जनों महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हे का वितरण भी किया। बिहार सरकार में पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश धानी ने सुल्तानपुर के जयसिंहपुर अंतर्गत शाहपुर लपटा के खेल मैदान में आयोजित निषाद जन चेतना रैली में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि 40 साल की उम्र में जिसमें 22 साल से संघर्ष करता रहा हूं, मैंने मजदूरी करते हुए मुंबई में अपना झंडा फहराया। मैंने 16-17 से आकर उत्तर प्रदेश में काम किया और मेरा मकसद बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निषादों के हित की लड़ाई लड़ना है। बिहार में अब अपने हक की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं और बिहार में अपनी पार्टी के झंडे का परचम अपने समाज के लिए संघर्ष करते हुए फहराया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्र की पुलिस कस्टडी पर आज लखीमपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आशीष लखीमपुर के तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है और उसे बीती 8 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष तय वक्त पर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। पुलिस उसका इंतजार करती रही। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और आखिरकार तमाम उठापटक के बाद आशीष मिश्र 9 अक्टूबर को तय वक्त से पहले ही पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस के सामने पेश हो गया था, जहां उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब आशीष नहीं दे पाया था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात उसको गिरफ्तार कर लिया था।
महाराष्ट्र सरकार के तीनों गठबंधन दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना में मारे गए किसानों के समर्थन में आज राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। तीनों पार्टियां संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर घटना का विरोध कर रही है और इस घटना में 8 लोगों की जान गई थी, इसमें से 4 किसान थे। ऐसे में मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र बंद के दौरान मुंबई पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आज सड़कों पर अपने कर्मियों की तैनाती कर रही है। पुलिस अफसरों पर का कहना है कि राज्य रिजर्व पुलिस बल की 3 कंपनियां, होमगार्ड के 500 जवान और स्थानीय सशस्त्र इकाइयों के 400 जवानों को पहले से ही नवरात्रि के दौरान सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जनशक्ति के रूप में तैनात कर दिया गया है। लेकिन बंद को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम जनशक्ति का उपयोग कर रही है। सोमवार को सड़कों पर पुलिस कर्मियों की संख्या और बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 700 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इन लोगों को 6 दिनों में कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों सहित 7 नागरिकों की हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया है। वहीं हिरासत में लिए गए लोगों में करीब 500 ऐसे लोग हैं जिनके प्रतिबंधित धार्मिक और आतंकी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंध भी हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए की है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथ में वृद्धि की वजह से हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही आतंकी आसान टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले बता दें आपको कि रविवार को NIA कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापा मारकर द रेजिस्ट्रेंट फ्रंट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं TRF को प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा समूह का मुखौटा संगठन भी माना जाता है। ऐसे में TRF ने कश्मीर घाटी में नागरिकों की लक्षित हत्याओं की जिम्मेदारी ली है और NIA के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से कुलगांव, कश्मीर और बारामूला जिलों में 7 स्थानों पर छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज लोक भवन सभागार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड का वितरण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कोविड प्रबंध पर ITI कानपुर में पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं। नैनीताल के जोलीकोट चौकी के अंतर्गत मटियाली गांव के एक मासूम बच्चे को अपना निवाला बनाने वाले खूंखार तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। वहीं वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर रानीबाग सेंटर पर भेज दिया है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में 2.5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ था, उसी के पास पिंजरा लगाया गया था, जहाँ देर शाम तक एक तेंदुआ इसमें आकर फंस गया। जानकारी के अनुसार मटियाली गाँव में रहने वाले नेपाली मूल के राणा परिवार के 2.5 साल के बच्चे को शाम के समय तेंदुआ उठा कर ले गया था, जिसके बाद उसका शव बरामद किया गया था। किच्छा में घर में के काम निपटाने के बाद महिलाएं पहाड़ी अनाज मुड़वे से बिस्किट और केक तैयार कर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं। दरअसल किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुरी गांव की महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय आजीवन मिशन के तहत जागृति महिला समूह बनाया गया है और समूह की 13 महिलाएं मिलकर एक बेकरी सेंटर को संचालित करती हैं, जिसमें वो डिमांड के अनुसार मड़ुए से बने बिस्किट और केक तैयार कर सप्लाई कर अपनी आमदनी बढ़ा रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही अब तक वो 25 से 30 हज़ार रुपये का बिजनेस कर चुकी है। साथ ही महिला समूह की तरफ से किसान मेले में लगाए गए स्टॉल में मड़ुए का आटा, बिस्किट, केक और हाई केक, रेडी टू ईट पकौड़ा मिक्सचर और उत्तराखंड के कल्चर पर आधारित एपिट आर्ट से बनी पूजा थाल, नेम प्लेट, पूजा चौकी, शकुन के लिफाफे की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो ग्राहकों को काफी पसंद भी आ रही है। तो आपको बता दें कि महिलाओं ने ये अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये किया है और ऐसे में
बिस्किट बनाए, केक बनाए, साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई जिसमें तरह तरह के सामानों को शामिल किया, जिसको देखकर वहां पर आए लोग भी काफ़ी खुश नजर आए। उनको इन सभी चीज़ों जो हैं वो काफ़ी पसंद भी आई थी। ये NRLM से जुड़े हुए हैं हम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ब्लॉक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वैसे तो मेंबर 13 हैं, 13 जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार महिलाएं अपने रोजगार जो भी दिन भर की दिनचर्या होती है उससे कुछ समय निकाल के हम लोग एक दो घंटा अपने लिए निकालते हैं, जिससे कि हम स्वावलंबी भी बन सकें और आर्थिक रूप से भी हम महिलाओं को जो होता है छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो अपने हम इससे निकाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक मुद्दा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है तो थोड़ा सा हम उसके लिए भी सहयोग कर सकें, तो हमने मेन बेसिक चीज़ अपनी मडवा लिया है। मडवे के जो ड्राई केक्स हैं हम काफ़ी दिन से, मतलब हो गए हमें 3 साल से हम काम कर रहे हैं इस पर, मडवे के ड्राई केक्स पे जो काफ़ी पसंद भी है, चल रहा है काफ़ी जगह, इसको प्रोत्साहन के लिए हमें पुरस्कार भी दिए गए हैं मडवे के लिए। बहुत फ़ायदेमंद है ये, BP, कैलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल, इस सभी चीज़ में काम करता है, क्योंकि हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसमें गुड़ यूज़ करते हैं। गुड़ जो हेल्थ के लिए सभी को पता है अच्छा है, जो चीज़ें शुगर लेवल कम करने के लिए अवॉइड करते हैं शुगर को, तो वो ईजीली इसको ले सकते हैं। तो हम इस वाले सीजन में, अभी तो ये अक्टूबर से स्टार्ट ही हुआ है, 25,000 से ऊपर जा चुके हैं। आज किसानों ने मंडी गेट पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कच्चे आढ़तियों की तरफ से मनमानी कर धान की कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही किसानों की मांग है कि सरकार ने जो धान खरीद के लिए मानक रखे हैं उसके अंतर्गत ही किसानों की धान खरीद की जाए, जिसको लेकर नानकमत्ता क्षेत्र के किसानों ने मंडी गेट पर जमकर हंगामा किया। वहीं काफी समय के बाद किसानों और कच्चे आढ़तियों में सहमति बनी और फिर से दोबारा धान की बोली लगना शुरू हुआ। धान तोल यहाँ पर एक तरीके से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बीच बीच में जो है कहीं ना कहीं राइस मिलर और जो है हमारे किसान भाई हैं तो थोड़ी जैसे माल गीले आ रहे हैं तो उन पर थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से माल जो है कहीं ना कहीं गीले हो जा रहे हैं, कहीं दागी हो जा रहे हैं। और राइस मिलर भी जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहा था कि नहीं मैं अच्छा माल लूँ, जो हल्का माल है मैं ना लूँ, तो इस पर जो है राइस मिलर को भी जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे किसान भाइयों के माल अगर कहीं ख़राब हो गए थोड़े तो राइस मिलर को भी निभाना पड़ेगा। तो उसी पे लेके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन उस विवाद को जो है अभी हम लोग सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा जो है खरीद शुरू हो जाएगी। और हम लोगों ने राइस मिलर से अभी बैठ के बात हुई है और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो है किसान का धान जो है वो अगर अच्छा माल आ रहा है तो उसमें जो है आप कटौती नहीं करेंगे, ये जो है यहाँ पर अभी बात चल रही है और इस पर सहमति जो है अभी बन जाएगी, क्योंकि अच्छे माल पर जो है कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट की कि हाँ धान ये खराब है तो उस पे जो है जो भी जायज कटौती है वो होनी चाहिए, वो ज्यादा कटौती नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।